नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं आज तक भारत। कॉफी विद करण सीजन 8 के पहले एपिसोड में दीपिका पादुकोण अपने हस्बैंड और एक्टर रणवीर सिंह के साथ पहुंची थी। इस दौरान एक्ट्रेस ने अपने पास्ट रिलेशनशिप और एक्स बॉयफ्रेंड्स पर खुलकर बात की थी। एक्ट्रेस ने कुछ ऐसे खुलासे किए थे जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा था। अब वाराणसी की एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने दीपिका के पास्ट रिलेशनशिप पर स्टैंड अप कॉमेडी करके उनका अपमान किया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें घूंघट में एक लड़की दीपिका के भेष में नजर आ रही है और उसके पीछे दीपिका के फिल्म बाजीराव मस्तानी गाने की वीडियो चल रही है जिसमें दीपिका पादुकोण डांस कर रही है। इसके बाद एक एक करके ये वीडियो बदलती है और दीपिका की उनके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ फोटोज सामने आने लगती है। वहीं स्टेज पर भी एक एक करके लड़के उनके रोल में सामने आते हैं। दीपिका पादुकोण का इस तरह खुलेआम अपमान देखकर उनके फैंस भड़क गए हैं और सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस के सपोर्ट में बोल रहे हैं। एक यूजर ने लिखा शर्मनाक, एक दूसरे यूजर ने लिखा फैक्ट तो यह है कि इसका आयोजन भारत के बेहतरीन शिक्षण संस्थानों में से एक ने किया था, शर्मनाक। एक और फैन ने लिखा यह वाकई में बहुत ही शर्मनाक है, यह अब कोई मजाक नहीं है। एक और यूजर ने यूपी पुलिस को टैग करते हुए लिखा यूपी पुलिस को इस ओछी हरकत की जांच की जरूरत है, बेहद शर्मनाक। दीपिका पादुकोण के पास्ट रिलेशनशिप का मजाक बनाने वाली इस वीडियो के बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी के होने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीएचयू के स्टूडेंट्स ने ही दीपिका के एक्स बॉयफ्रेंड्स का किरदार निभाया है और एक्ट्रेस का अपमान किया है। बता दे कि वीडियो में दीपिका के एक्स बॉयफ्रेंड के तौर पर सुशांत सिंह राजपूत, रणबीर कपूर, युवराज सिंह, निहार पांड्या, सिद्धार्थ माल्या और रणवीर सिंह को दिखाया गया है। स्टूडेंट्स के इस वीडियो पर और यूजर के इस रिएक्शंस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।